डी क्लास सेवन सोशल साइंस चैप्टर ट्वेंटी मीडिया द मेन स्टे ऑफ डेमोक्रेसी इस चैप्टर का सॉल्यूशन करेंगे हम इस वीडियो में डी स्टूडेंट आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा और सॉल्यूशन करने से पहले अगर किसी ने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो एक्सप्लेनेशन वीडियो देख ले ताकि आप उसको सोल्यूशन अच्छे से समझ में आ जाए तो शुरू करते हैं हम अपना सोल्यूशन सबसे पहले हमारे पास है समथिंग टू नो इसका ए पार्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन को हमने टिक करना है पेपर वाज इन्वेंटेड बाय पेपर की खोज किसने की थी इंडियंस जैपनीज़ ग्रीक्स चाइनीज तो इसका आंसर होगा चाइनीज सेकंड है द राइट टू इंफॉर्मेशन हैज़ प्रोमोटेड करप्शन डिपेंडेंस अकाउंटिबिलिटी इन डिसिप्लिन तो इसका आंसर होगा अकाउंटिबिलिटी थर्ड है इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मीडिया शुड नॉट बी जो मीडिया इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है वो कैसी नहीं होनी चाहिए इम्पार्शल बायस्ड बैलेंस्ड फैक्चुअल तो इसका आंसर होगा बायस्ड फोर्थ है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इन्वोल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ टेलीकास्टिंग द न्यूज़ न्यूज़ की टेलीकास्टिंग में इनमें से कौन सा इन्वॉल्व नहीं होता एडिटर प्रोड्यूसर कैमरामैन टेक्नीशियन तो इसका आंसर होगा टेक्नीशियन फिफ्थ है विच कंट्री डिड जोहैंस गुटनबर्ग बिलोंग्स टू जर्मनी यू एस ए फ्रांस ग्रेट ब्रिटेन तो इसका आंसर होगा जर्मनी बी है हमारे पास फीलिंग द ब्लैंक्स मीडिया हैज़ ब्रॉट टू डैश टू ए लेवल वेयर टेक्नोलॉजी इज मीडिया तो मीडिया हैज़ ब्रॉट टेक्नोलॉजी आंसर आएगा इसका टेक्नोलॉजी सेकेंड है चाइनीज इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ डैश बाय इन्वेंटिंग पेपर तो इसका आएगा डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग थर्ड है टेलीविजन एफेक्ट पब्लिक प्रसप्शन एंड ओपिनियन फोर्थ है मीडिया शुड नॉट डैश ए क्लास पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन तो इसका आंसर होगा फेवर एफ ए वी ओ यू आर मीडिया को फेवर नहीं करना चाहिए किसी का भी चाहे वो कोई पर्सन हो चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो फिफ्थ है राइट टू इंफॉर्मेशन हैज प्रोमोटेड डैश एंड अकाउंटेबिलिटी तो इसका आंसर होगा ट्रांसपेरेंसी ठीक है तो हमारा बी पार्ट भी कंप्लीट हुआ अब नेक्स्ट हमारे पास है राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स हमने बताना है मीडिया इन्फ्लुएंसेस आवर बिलीव्स एंड एटीट्यूड तो इसका आंसर होगा ट्रू सेकंड है आरटीआई वाज पास ड्यू टू द डिमांड्स ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन एंड तो ये भी होगा ट्रू थर्ड मीडिया इज लाइक ए वॉच डॉग इन ए डेमोक्रेसी तो इसका भी हमारे पास आंसर क्या होगा इसका भी हमारे पास ट्रू होगा फोर्थ है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हैज़ नो लिमिटेशन तो इसका आंसर होगा फॉल्स फिफ्थ ए वेरी बिग शेयर ऑफ इंडियन मीडिया इज ऑन बाय पॉलिटिकल पार्टीज तो इसका आंसर होगा फॉल्स तो हमारा ए बी और सी पार्ट कंप्लीट हुआ अब हम करेंगे इसका डी और ई e पार्ट और डी और ई e पार्ट करने से पहले डी स्टूडेंट मैं आपको बता दूं चैनल पर मैथ हिंदी साइंस सोशल साइंस इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के वीडियोस आपको मिल जाएंगे आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को चेक कीजिए डिस्क्रिप्शन को चेक करना आपको आता होगा प्लेलिस्ट को किस तरह से आपने चेक करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको वीडियो ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो प्ले को कैसे चेक करना है सबसे पहले आपने क्या करना है पहला स्टेप क्या है यूट्यूब पर आपने सर्च करना है यूट्यूब पर सर्च करना है एजू मैगनेट ही आप यूट्यूब पर एजू मैगनेट सर्च करोगे आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा चैनल का आइकन दिखाई देगा ही आप यहाँ पर टैप करोगे तो आपको ऐसे दिखाई देगा होम वीडियोस, प्लेलिस्ट कम्युनिटी। वीडियो पे टैप करोगे आपको सारे वीडियो दिख जाएंगे प्लेलिस्ट पे टैप करोगे यही इंपॉर्टेंट सबसे जैसे ही आप प्ले लिस्ट पे टैप करोगे आपको सब्जेक्ट वाइज क्लास वाइज प्ले मिल जाएंगी आप अपना मनचाहा वीडियो देख सकते हैं कम्युनिटी पर टैप करोगे तो आपको जो हम कम्युनिटी में पॉल करते हैं या फिर आपको दूसरे सब मतलब आपको लिंक भी इसमें मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के ठीक है तो आप इस तरह से वीडियोस को प्लेलिस्ट को और कम्युनिटी को चेक कर सकते हैं ये थी छोटी थो, सी जानकारी अब आगे हम करते हैं इसका डी और ई पार्ट डी पार्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन मीडिया मीडिया को डिफाइन करना है मीडिया रेफर्स टू तो वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट हेल्प इन कम्युनिकेटिंग टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम तो आप इसको नोट no डाउन कर सकते हैं ऐसी क्वेश्चन नंबर टू है वाई इज़ द मीडिया कॉल्ड ए वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी आप इसको नोट no डाउन कर सकते हैं ये सारे जितने भी टॉपिक हैं हमने चैप्टर में किए थे जब हमने इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो किया था तो सबसे पहले आप इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो देखें उसके बाद ही आप सॉल्यूशन देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए अब क्वेश्चन नंबर थ्री है इन वट वे इन वट वेज़ डज द सिनेमा अफेक्ट आवर व्यूज़ सिनेमा हमारे व्यूज़ को किस तरह से अफेक्ट करता है तो आप इसको कर सकते हैं इसका नोट डाउन कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर फोर है वाट आर डिफरेंट मीनस ऑफ प्रिंट एंड एलक्ट्रॉनिक मीडिया आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं या पोज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव है वाट आदर बेसिक राइट्स आर लिंकड विद द रट टू इंफॉर्मेशन आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर ए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हाउ आर द मीडिया एंड टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर तो आप इसको आंसर को इसको नोट डाउन कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर टू है हाउ डज द मीडिया इन्फ्लुएंस आवर डेली लाइफ तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री ई का डिस्क्राइब द रोल ऑफ मीडिया इन ए डेमोक्रेसी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन नंबर फोर इन व्हाट वे डज द मीडिया ब्रिंग द प्रॉब्लम ऑफ द कॉमन मैन टू द फोरफ्रंट आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं अब है क्वेश्चन नंबर फाइव जो इसका लास्ट क्वेश्चन है ई का डू यू थिंक इंडियन मीडिया इज फ्री जस्टिफाई योर आंसर तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं इस तरह से हमारा ये चैप्टर का सोल्यूशन कम्प्लीट हुआ अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार